दो दिन पहले मैंने खबर दिखाई थी आपको और उसमें कहा था कि एग्जिट पोल में तकरीबन चैनल 300 से ऊपर ऊपर बीजेपी को रखेंगे, और अब एक स्क्रीनशॉट, एक फोटो वायरल हुआ इंडिया टुडे के एंकर राहुल कंवल का, और उस फोटो के अंदर दिखा कि 301 सीट दी गई वो एनडीए को दी गई, और 211 सीटें दी गई वो दी गई है इंडिया गठबंधन को। ये फोटो वायरल हुआ और इसके साथ साथ जो है वो राहुल कंवल और उनके बाकी के और साथी जो है वो खड़े होकर के फोटो खिंचवा रहे हैं, और उसके बाद में जब ये फोटो वायरल हुआ लोग सवाल पूछने लगे कि भाई ये कहीं पर जा करके सर्वे भी करते हो या केवल एसी रूम में बैठ करके सर्वे करते हो। उसके बाद में राहुल कंवल की इस पर सफाई आई। राहुल कंवल ने कहा कि ये डमी है, ये आंकड़े डमी हैं, हम लोग तो पिछले 6 महीने से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। अंग्रेजी के अंदर उन्होंने एक बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट डाला और उसमें लिखा कि हम तो पिछले 6 महीने से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ये जो आंकड़े हैं डमी आंकड़े। अब सवाल ये है कि ये डमी आंकड़े एनडीए गठबंधन के 301 हैं तो इंडिया गठबंधन के भी 301 हो सकते थे, या इन्होंने मान लिया है, इनकी खुद की जो है वो दिल की इच्छा है कि वहाँ पर 301 जाए, ये बड़ा सवाल उठता है। और केवल बात इतनी नहीं है, बात ये है कि क्या जिस तरीके से लोगों के अंदर धारणा है, या दो दिन पहले मैंने खुद आपको बताया कि ये जितने भी सर्वे आएंगे आपको 300 से ऊपर सीट जो है वो दिखाएंगे। जमीन का माहौल जो है लगातार मैं टटोल रहा हूँ, लगातार अलग अलग जगह पर जा रहा हूँ। अभी इस वक्त में मैं मिर्जापुर के अंदर हूँ। मिर्जापुर की कौन सी जगह है? बरखचा कला। तो ये बरखचा कला जो है वो जगह है, अभी यहाँ पर अखिलेश यादव की एक रैली होनी है और अभी उसमें समय है, तो कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। अब इन्हीं से पूछते हैं कि ये वाकई 301 इंडिए गठबंधन की तरफ है या एनडीए गठबंधन की तरफ है। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देवेंद्र विधायक है। देवेंद्र विधायक है जी। ये मतलब नाम विधायक है या कैसे? नाम नहीं है, ऑलरेडी विधायक हूँ, परमानेंट आजीवन के लिए विधायक हूँ। अच्छा, नाम में ही विधायक है जी। है जी, ऐसी बात है और क्या। देखिए बड़ी रोचक जगह है ये मिर्जापुर, और ये मिर्जापुर का आप वो देखते हैं कालीन भैया, ये वही मिर्जापुर है? ये वही मिर्जापुर है जी, वही मिर्जापुर है। और आपको भी पता है, वो उधर मुंडी हिला रहे हो। हाँ हाँ, मिर्जापुर कालीन नगरी के मशहूर जगह है। ये जो वो सीरीज है वो कालीन भैया वो यहीं के है? कालीन यहीं के है। तो ये क्या नाम बताया आपने दोबारा बताओ? देवेंद्र विधायक। थोड़ा आगे आ जाओ। ये देवेंद्र विधायक जी, मैंने जो अभी खबर बताई यहाँ पे कि एक वो फोटो वायरल हुआ इंडिया टुडे के वो पत्रकार का, वो कह रहे हैं कि 301 सीट आ रही है एनडीए को। अरे तो गोदी मीडिया है, कुछ भी बोलने का क्या, बोल देंगे पहाड़ नीचे ला देंगे वो। पहाड़ और क्या, पहाड़ नीचे ला देंगे कह रहा है। उनका क्या मुंह है बोलने का, कुछ भी बोल देंगे, आप मान लेंगे ना। अभी दबाएंगे ऐसे है, उन लोग क्या है ना, दबाएंगे साइकिल का वोट आएगा कमल का, उनका क्या है, वो पूरा सेट कर रखे हैं, वो उनका मानना है, हम पूरा सेट किए हैं, जो चाहेंगे वो करेंगे, और इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। जमीन पर फिर आपको क्या माहौल दिखता है? जमीन पर देख लीजिए, आप देख लीजिए, आप ही पूरा सर्वे कर लीजिए। मैं तो घूम ही रहा हूँ लगातार। तो आपको क्या मतलब दिखाई दे रहा है जमीन पे? हमें तो माहौल अच्छा दिख रहा है। फिर इस बार इंडिया गठबंधन सरकार बनने वाली है, अब मोदी जी को बता दीजिए वो अपना झोला तैयार रखें, इनका टिकट नहीं होने वाला है इस बार, विदेश भी नहीं भाग पाएंगे, हम लोग झोला चेक कर लेंगे। इस बार ऐसी है, ऐसी कार्रवाई होगी कि इनकी पुस्तें याद करेंगी, जिस तरीके से बात कर रहे हैं लोग, जिस तरीके से पुस्तें याद होंगी, पुस्तें तो है नहीं उनकी। ये कह रहे पुस्तें याद रखेंगे। अगर नहीं, ये गोदी मीडिया के लोग हैं, ये धरातल पे एक माहौल, फर्जी माहौल बनाने का काम करते हैं, पैसे लेकर के ये पेड लोग हैं। लेकिन अगर आपको धरातल पे देखना है तो 48 डिग्री टेम्परेचर में आप धरातल पर देख सकते हैं, जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, जिस तरह का जनसैलाब उमड़ रहा है, जिस तरह से बेरोजगारी और बेरोजगारों को भ्रमित करने का काम करते हैं, इन्होंने शिक्षा और रोजगार पे कोई काम किया नहीं है, जिस तरह से अग्निवीर की योजना के तहत इन लोगों ने इस तरह से बच्चों को जो आर्मी और पुलिस पीएससी मिलिट्री में जाते थे लड़के, वो गरीब गुरबों के लड़के, किसान मजदूर के लड़के जाते थे, उसको इस तरह से इन लोगों ने तहस नहस करने का काम किया है कि युवाओं में एक निराशा का माहौल है। इस वजह से इस तपती हुई धूप में अगर को आपको धरातल पर सच्चाई देखनी है तो धरातल पर आप देखिए जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है,
माननीय अखिलेश यादव की रैलियों में वो आप धरातल पे सच्चाई पता चल जाएगी। राहुल कमल जैसे लोग ऐसे हैं, ये पेड लोग हैं, ये पैसे लेकर के न्यूज चला रहे हैं, माहौल बनाने का काम करेंगे और अभी माहौल बना करके बाद में ये लोग क्या करेंगे, मशीनों के थ्रू या अन्य बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू ये गड़बड़ियाँ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार इनकी कोई गड़बड़ी इनकी कामयाब नहीं होने वाली है। इस बार अडानी और अंबानी जो है पहले से इनका प्लेन तैयार रखेंगे, भागने की कोशिश करेंगे 4 तारीख के पहले। मोदी जी का, मोदी जी अडानी और अंबानी के प्लेन से जैसे मेहुल चौकसी और बाकी अन्य लोग दलाल लोग भाग गए, ये लोग भी भागने की कोशिश करेंगे। बाकी के भी तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, हार गए, फिर यहीं पे तो है। इन्होंने सारी सीमाएं लांघ दी, सारी जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका इन्होंने इतना दुरुपयोग किया है, सत्ता की हनक में, सत्ता के उसमें लोभ में इन्होंने इतने दुरुपयोग किया है, सब संस्थाओं का इन्होंने मिसयूज किया है धरातल पे। इसलिए ये पहले से ही इतने घोटाले इन्होंने किए हर जगह, चाहे आप तो कौन सी चीज आप लोगों के पक्ष में जा रही है, आपको लग रहा है कि जो सरकार आपकी बनेगी? सर देखिए कि कोई भी योजना धरातल पे नहीं उतरी है, गंगा स्वच्छता के नाम बताइए, एक प्रधानमंत्री हो करके अगर ये शिक्षा और रोजगार की बात ना करके ये बताओ हिंदू मुस्लिम करेगा, हिंदू मुस्लिम करेंगे और क्या नाम है मंगल सूत्र पे बात करेंगे, तो बताइए किस प्रकार, मतलब किस जगह से इनको वोट देंगे, कौन लोग वोट देंगे बताइए? 10 साल की सरकार किस तरह इनका, 400 वो तो कह रहे हैं, हमारा तो 6 चरण में जो है वो 350 पार हो गया है, अरे अब 400 हो जाएगा। इस बार जान लीजिए ये जिस तरीके से बात कर रहे हैं इस बार रोने वाले हैं हमारे राहुल, मतलब राहुल गांधी ने कह दिया ना ये आगे रोने वाले थे, रो दिए। अब गठबंधन ऐसा बना कि आप सपा के कार्यकर्ता और कह रहे हमारे राहुल गांधी, अरे तो अब गठबंधन है, नेता गठबंधन के हैं और देश के मतलब नेता है, राष्ट्रीय नेता है, तो अब है तो हमारे पूरे गठबंधन है ना, इंडिया अलायंस के ही है ना, आप लोगों को स्वीकार कर रहे हो, नेता है तो है, उनकी जीत हमारी जीत है, राहुल गांधी जीत आपकी जीत है, बिल्कुल हमारे गठबंधन नेता है वो, मतलब कार्यकर्ता एक साथ मिल गए हैं, मिले हुए हैं, इसमें क्या है, या ऐसा है कि कहीं कांग्रेस का वोट सपा को नहीं जा रहा, सपा का कांग्रेस में जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, कहीं सब एक है। देखिए इस बार बीजेपी वाले बौखलाए हुए हैं, उनके मुंह से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, जो बोल रहे हैं उल्टे फीता बोल रहे हैं, चाहे अमित शाह हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे मोदी जी हो, मोदी मीडिया भी एक उनकी तरफ से एनडीए की तरफ से आखिरी लड़ाई लड़ रही है। अच्छा, आखिरी लड़ाई लड़ रही है मोदी मीडिया भी, ये गजब है जी, बिल्कुल। क्यों ऐसा क्यों लगता है, क्या नाम है आपका? प्रत्युष। ऐसा क्यों लगता है आपको? अब लगता है क्योंकि उनके ऊपर यहाँ आने वाली सरकार बदलेगी तो मोदी मीडिया को भी ऊपर भी कार्रवाई होगी, उस पर भी कार्रवाई, बिल्कुल क्या कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी, मोदी जी जेल जाएंगे, मोदी जेल जाएंगे, जिस तरह से इन्होंने कहा था, पहले भी तो प्रधानमंत्री रहे ना, मनमोहन सिंह कहाँ जेल गए, मनमोहन सिंह यहीं पे हैं, मनमोहन सिंह जी थे तो फर्जी तरीके से उस टाइम पे इन लोगों ने बात किया कि कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला वाला, कॉमनवेल्थ घोटाला वाला एक भी व्यक्ति जेल नहीं गया, सब वो भाजपा में चला गया, जितने भ्रष्टाचारी लोग थे वो जेल गए, एक भी नहीं जेल गए, सब भाजपा में गए या तो उनको भगा दिया गया। तो क्या ऐसा फैक्टर क्या है जो लोग आपको वोट करेंगे? लोग इसलिए वोट करेंगे, लोगों को जो जमीन पे काम चाहिए, लोगों को हिंदू मुसलमान जाति के नाम पे बहुत लड़ा लिया गया 10 साल तक, अभी भी मोदी जी वही बात कर रहे हैं, एक प्रधानमंत्री जो देश की सब हर जाति हर समाज के लिए होना चाहिए, भारत देश इतनी विविधताओं से भरा हुआ देश है जिसको सबकी बातें करनी चाहिए, हर क्षेत्र की, हर भाषा वालों की, हर जाति हर धर्म वालों की बात करनी चाहिए, वो व्यक्ति एक जाति और एक धर्म के विशेष के लिए माहौल को गर्म करने की कोशिश करता है, उसी के थ्रू वो सरकार चला रहा था आदमी, अभी हिंदू मुसलमान कर करके, राम हमारे नहीं हैं, राम तो हमारे भी हैं, लेकिन वो आदमी हम लोगों को ऐसा प्रिटेंड करता है, ऐसा प्रोजेक्ट करता है कि हम राम विरोधी हैं, जबकि राजनीति में ये बातें होनी नहीं चाहिए, राजनीति में जो शासन और सत्ता जिसको दिया जाता है, हम कलावा इसलिए माने हैं कि हम भी हिंदू ही हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि जो राजनीति में जो हमारी जिम्मेदारी है वो रोजगार के लिए है, वो किसानों की बात होनी चाहिए, वो बिजली की बात होनी चाहिए, वो सड़क की बात होनी चाहिए, वो शिक्षा की बात होनी चाहिए, वो स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, वहाँ धर्म और जाति के नाम पे कोई बात होनी नहीं चाहिए, कम से कम जो प्रधानमंत्री जो देश की गरिमा है उसको ऐसी बातें करनी नहीं चाहिए। क्या कह रहे हो आपके, पूरा चुनाव बीत गया, कभी भी स्वास्थ्य शिक्षा बेरोजगारी महंगाई पे कभी भी बात उन्होंने नहीं किया है, चुनाव आया पेट्रोल 2 रुपये महंगा कर सस्ता करके उसमें चुनाव लड़ लिए हैं, अभी चुनाव बीत जाएगा और कहीं ना कहीं इनके पास चुनाव आ गया तो पेट्रोल 150 पहुँच जाएगा, इधर 5 साल में आपकी बार 150 प्रति लीटर पहुँच जाएगा। आपका नाम क्या हुआ? अभयराज। ये कालीन भैया यहाँ नहीं रहते? कालीन तो यहाँ बहुत बनती है, लेकिन मेरे देश को बर्बाद करने में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका मोदी जी की रही। कहें इसलिए रही कि वो बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है,
ना हिंदू खतरे में है ना हिंदुस्तान खतरे में है। अगर खतरे में है तो मेरा संविधान खतरे में है, जो माई का लाल जिसने संविधान लिख करके देश को आजाद कराया उस संविधान खतरे में है। क्या नाम आपका? अभयराज। अभयराज जी, और इसलिए कहना है कि योजना चलावल सजतनी सपा सरकार हो, बहेलिया बन के खाई गईले मोदी जी हमार हो, बहेलिया बन के खाई गईले। अखिलेश जैसा नेता मिलने वाला नहीं है। और राहुल मतलब समझाइए, मैं भी नहीं समझ पाया, दर्शक भी शायद नहीं समझ। जितनी योजना अखिलेश ने अपने मतलब उसमें जो है समाजवादी के जो मुख्यमंत्री थे चलाए, सब बहेलिया बन के खा गए, पूरा सब बर्बाद कर दिए। महल बन करके, बहेलिया मतलब जो चिड़िया फंसाता है जाल, अच्छा वो बन के खा गए, शिकारी बन के खा गए। 108 नंबर अभी आप कहीं डायल करिए और कहते हैं अरे भैया हम कैसे हैं, हमारे पास तेल ही नहीं है। तो जब तेल नहीं है गाड़ी में तो देश कैसे चलेगा? पाकिस्तान को कहते हैं कि हम पाकिस्तान को चूड़ी पहना देंगे। अरे यार क्यों झूठ बोलते हो? हमारे नौजवान चाहे ब्राह्मण का बच्चा हो, चाहे ठाकुर का हो, चाहे यादव का हो, चाहे हरिजन का हो, चाहे भारतीया का हो, चाहे पाल का हो, चाहे गुर्जर का हो, सब बीएड बीटीसी करके सब ऐसे पड़े हैं, कोई वैकेंसी नहीं आ रही। जो वैकेंसी आती है पेपर लीक हो जाता है। यहाँ तक कि नीड नीड की परीक्षा देश में सबसे बड़ी परीक्षा है, उसका भी पेपर लीक हो गया, हर परीक्षा लीक हो गया। 20-20 लाख में बिक। अब आप समझ लीजिए कि देश की 20-20 लाख में बिक भी जा रही है। क्या भर्ती? भर्ती नीट की हो, चाहे पुलिस की हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी की हो। अरे लेकिन अब मीडिया तो बताने लग गई कि भाई 301 आ रही। अच्छा मीडिया बता रही है तो बिक कैसे रहा है? कैसे लीक हो रहा है? तो बिक रहा है तभी तो लीक हो रहा है। नहीं वो 301 वाले सीट आ रही है। 301 नहीं, इसमें 180 पे निपट जाएंगे। 180 पे निपट जाएंगे इस बार। जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी मीडिया का सबसे बड़ा मैं उदाहरण बता दूं, मोदी जी यहीं आए हुए थे, बनारस में आए हुए थे एक स्टेडियम का उद्घाटन करने। आप सभी लोगों ने फोटो देखा होगा, आए थे उद्घाटन करने, मतलब न्यू पूजन की फोटो कैसी आनी चाहिए, कहीं वो फोटो आनी चाहिए कि एक पत्थर रखे हैं पूजा पाठ हो रहा है। लेकिन मोदी मीडिया ने हर जगह एक बना बनाया स्टेडियम एनिमेटेड फोटो पूरा वही चलाया है। क्षेत्र में कोई ये समझ नहीं पाया कि वो न्यू पूजन हो रहा है कि उद्घाटन हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा उदाहरण आप देख लीजिए, किसी ने भी देखा होगा, फोटो देखा होगा, पूरी मीडिया में एक ही फोटो चली है कि वो आए थे, हाँ आए थे वो न्यू पूजन करने। लेकिन उस जो स्टेडियम जो बनना है उसका एनिमेटेड फोटो ही हर जगह हर मीडिया में चला है। वाराणसी में भी ऐसा फर्जी काम, वाराणसी में ही तो टोटल वैसा ही फर्जी हुआ, वाराणसी में तो पुल गिर गया, इतने सैनिक शहीद हो गए। लेकिन मोदी कभी रोए नहीं। रोते हैं कब? जब कुर्सी फंसती, जब जान रहे अब हमारा जब अब तब लग ही झूठे नौटंकी चलने वाली नहीं है। जनता जागरूक है, सब जान गई है। अब मोदी जाने वाले हैं और राहुल अखिलेश आने वाले हैं। अब युवाओं का भविष्य जगने वाला है। और जिस समय देश के प्रधानमंत्री हमारे नौजवान नेता चाहे जो बने, फंस गई गुगली, फंस गई नहीं गुगली फंस गई, चाहे जो बने भाई, अगर नाम ले तो दिक्कत, अखिलेश का नाम ले तो दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, वो आपस में बुद्धिमान है, वो सब जो करेंगे हो जाएगा। बात जुबान पर आते आते फंस गई। नहीं जुबान देखिए, हम लोग भाई अब हम लोग इतने बड़े नेता नहीं है, जहाँ हम लोगों का दायरा है और देना है, और प्रधानमंत्री चुनना है, रक्षा मंत्री चुनना है, गृह मंत्री चुनना है, अच्छे अच्छे फाइनल है अखिलेश। अरे अब ऐसे कैसे फाइनल में, जब मोदी जी को प्रोजेक्ट किया जाता था, जब प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट किया जाता है, आज ये लोग हमसे सवाल करते हैं प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट पे। जब 2014 में मोदी को प्रोजेक्ट किया जाता था तो यही सुषमा स्वराज, यही लाल कृष्ण आडवाणी, यही मुरली मनोहर जोशी, यही राजनाथ सिंह आपस में लड़ते थे, तो कौन जानता था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? आज भी उसी तरह है, संसदीय दल का जो नेता चुना जाएगा वो प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन जो भी बनेगा वो युवा रहेगा, वो युवाओं की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा। आपने यहाँ कालीन का शहर बताया, कालीन पर भी GST लगा दिया गया। आज जो किताबें हैं, आज की जो किताबें हैं, जो 20-30 रुपए की किताबें मिलती थी उस पर भी 28% GST लगा दिया गया। यहाँ का कालीन है ना, तो कालीन से तो यहाँ के लोगों के लिए जीवन यापन जुड़ा था, तो उसपे तो कम से कम GST नहीं लगानी थी, कम लगानी चाहिए थी। शिक्षा पे GST, दवाएं लेने जाइए आप उस पे GST,
आप हर कोई जो जो भी इस्तेमाल कर रहा है चीजें, जो बुनियादी जो जरूरतमंद चीजें हैं, जो लोकल चीजें हैं, केस बना रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, बनारस में है, बनारसी साड़ी पे भी सबसे ज्यादा जीएसटी है। ये सुनने में आता अच्छे दिन आने वाले हैं, कहीं से आपको अच्छा दिख रहा है? अच्छा दिन आने वाला है, अच्छा कहीं से आपको दिख रहा है? वो तो जुमला रोड वगैरह चकाचक कर दिया, ये चुनाव नजदीक आया तब रोड बनना है, ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना दिया। अरे भाई जब ये नजदीक आया तभी बना, उसके बाद रोड कहाँ बना? रोड ऐसा बना चार दिन बाद बरसात हो जाएगी फिर उसके बाद खराब हो जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तो बनाया, अरे वो बना ठीक है, मगर अपने यूपी की इधर के देखिए ना भाई, मिर्जापुर का देखिए, मिर्जापुर का क्या हाल है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना, आपने बताया कभी की बना, आपने बात की? बताइए किसी किसी ने बात की? ना जाने कितने फाइटर प्लेन वहाँ उतार दिया माननीय जी ने, कभी किसी ने बात की? पहली बार उतरा, दूसरी बार उतरा, एक बार उतरा था फिर उतरा है, तब बताइए उतारी नहीं उतारी? किसी ने बात की? गोदी मीडिया है, इनको कुछ गोबर और अंधभक्त दिखाई देते हैं और कुछ दिखाई देते नहीं है, बस इनको मुद्दे की बात नहीं करना है, हमको तुमको आपस में लड़ाना है, कौन कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, बिजली के लिए करना इन्होंने, अगर इनसे पूछा जाए भाई बिजली देते हो तो बिजली कोई घर से देता नहीं, पावर प्रोड्यूस बनाने पड़ेंगे इनको पावर प्लांट, एक पावर प्लांट योगी सरकार का नहीं गिना सकते जिससे ये पावर प्रोड्यूस कर रहे हो, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, एक पावर प्लांट ये गिना नहीं सकते। 400 सीट तो गिनवा ही रहे हैं, 400 सीट ये फर्जी है, गोदी मीडिया की देन है, 400 सीट धरातल में नहीं है, धरातल में आपकी बात झोला उठाए नदी पार, चार जो बात ना है, आदमी कोई नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री से झूठा आदमी कोई नहीं है, खुद बोल के खुद झूठ बोलते हैं कि मैं ये कर ही नहीं सकता, अच्छे दिन आने वाले वो हिंदू मुस्लिम करते हैं और फिर कहते हैं कि मैं अगर हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दूं तो सार्वजनिक जीवन जीना छोड़ दूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रब्बानी है। तो ये आपको चुभती है हिंदू मुस्लिम वाली? बिल्कुल भाई, आप मेरा एक भाई, मैं देश का रहने वाला हूँ और मेरे देश का प्रधानमंत्री जब हिंदू मुस्लिम करेगा तो मुझे चुभेगा नहीं, मेरे देश का प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम करेगा तो मुझे चुभेगा नहीं, हम भी तो इसी देश के रहने वाले हैं। अगर देश में मुसलमान पकल पाकिस्तान न होने तो इंडिया की सरकार दोबारा ना कभी बने, इस पर राजनीति करते हैं। अगर देश में मुसलमान गंगा यमुना तहजीब के नाम से हमारा हिंदुस्तान जाना जाता है और हमारे देश में जब भी आजादी की लड़ाई लड़ी क्या मुसलमानों ने उसका साथ नहीं दिया था? आप किस बात पे कह रहे हैं कि यहाँ के मुसलमान गद्दार हैं? जब जब जरूरत पड़ी है यहाँ पे मौलाना आजाद, यहाँ पे वीर अब्दुल हमीद, यही बात तो कह रहे हैं कि आप मुसलमानों के आगे मुजरा करिए, मुजरा ना करिए, यहाँ के राष्ट्रपति कलाम साहब, क्या उनको ऑफर नहीं आया था क्या? हमको बार बार ऑफर आया था, आप पाकिस्तान आइए, हम पाकिस्तान क्यों जाएंगे? हम इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, हम इसी मिट्टी में दफन हो जाएंगे, मगर हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेंगे और हमेशा कहते रहेंगे। लेकिन लेकिन ये बात होती है तभी मोदी जी कहते हैं कि वो मुजरा कर रहे हैं उधर जाकर के। कौन मुजरा कर रहा है? मोदी जी जाके खुद मुजरा करते हैं, कौन कह रहा है मुजरा कर रहा है? कौन कह रहा है मुजरा कर रहे हैं? मोदी जी मुजरा करने गए थे बिना बुलाए, गए थे उनके। पहली बात तो एक प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री को ऐसा लफ्ज यूज करना चाहिए मुजरा कर रहे हैं? आप खुद बताइए, सूट नहीं करता है ये मुजरा, वो प्रधानमंत्री, वो मतलब हिंदुस्तान के सबसे बड़े लेवल के गांव देहात में इसको लेके कैसी चर्चा होती है ये जो बात बोल। आप अभी पीएम की बात को छोड़िए, आप मिर्जापुर में जनगणना करें कौन जीत रहा है ना, तो आप ये बताइए अनुपिया पटेल ने मिर्जापुर के लिए किया क्या है? दस साल में किया क्या है? इतने बेरोजगार हैं अपने मिर्जापुर में, अपने मिर्जापुर में जमीन इतनी पड़ी है, 2 फैक्ट्री गार्ड दिए होते तो आज मिर्जापुर वाले मुंबई और दिल्ली जाके काम न करते 10,000 रुपए। क्या किए क्या है, क्या किए क्या है मिर्जापुर? इस बार 1.5 लाख वोटों से हम लोग अनुपिया पटेल को हरा रहे हैं और रमेश बिंद को यहाँ पे सांसद बना रहे हैं और पूर्ण बहुमत से हम इंडिया अलायंस की सरकार बना रहे हैं। लेकिन जैसे बीजेपी कहती है कि परिवार परिवार के पास में 4-5 सीटें हैं, बाकी नहीं, करना पड़ता है। अखिलेश परिवार बढ़ा क्यों नहीं रहे? अखिलेश यार, माननीय अखिलेश यादव जी ने कितने परिवार वालों को टिकट दिया है? कितने परिवार वालों को टिकट दिया? किस इनके पास परिवार ही नहीं है, वो परिवार क्या बढ़ाएंगे? किस बिरादर वालों को टिकट नहीं दिया? कुछ करना पड़ता है। सोनकर को दिया, पटेल को दिया, बिंद को दिया, किस बिरादरी वालों को उन्होंने टिकट नहीं दिया? परिवार की बात करते हैं, बताइए कहां से कौन परिवार वाला? अच्छा, बीजेपी परिवार तो नहीं है। मुख्य मुद्दा हमारा ये है कि अच्छा ये बताइए, ये लोग एक मिनट सुनिए, आप लोग ये लोग कहते हैं अब की बात 400 पार,
क्या ये बता सकते थे कि 100 किलो जो आईडीएक्स आया है वो कहाँ से आया था? इस पे वो नहीं बोलते हैं 300 किलो आईडीएक्स कहाँ से आया, ये मुद्दा नहीं है। हमारा ऐसा पहला हिंदुस्तान ऐसा देश है जहाँ शिक्षा का बजट काटा जा रहा है। अच्छा, अगर शिक्षा का बजट कम किया जाएगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी या घटेगी, विकास आएगा कि जाएगा? आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप मीडिया वाले हैं। दूध, आटा, चावल, इन सब पे कोई टैक्स नहीं था, लेकिन अब हर चीज पे जीएसटी आ गई है। गरीब खाएगा क्या? सबका पेपर लीक हुआ, गरीब क्या खाएगा? पेपर लीक हो रहे हैं, कोई भी इनकी जो बेरोजगारी के लिए बात ही नहीं करते, ये रोजगार के लिए बात ही नहीं करते, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यही करते हैं। नहीं, लेकिन जैसे बीजेपी के लोग कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, गुंडागर्दी खत्म कर दी है। आप ये बताइए 5 किलो अनाज कितने लोगों को दे रहे हैं? आप ये बताइए, मतलब 5 किलो अनाज के लिए यहाँ हमारी जनता बैठी हुई है? 5 किलो अनाज के लिए हमारी जनता बैठी हुई है, कमाने के लिए नहीं बैठी है? अगर एक आदमी 5 किलो अनाज अगर नहीं कमा नहीं पाएगा तो उतना कमा लेगा ना दूसरे राज्य में कि 50 किलो अपने घर पे ला के रख देगा, स्टॉक 50 किलो अपने घर पे स्टॉक रख देगा। खाली हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। क्या कह रहे हो आप? हम कह रहे हैं पहले मिट्टी का तेल मिलता था, चीनी मिलता था, सब कुछ बंद कर दिए, क्या बचा है? कहते हैं 5 किलो अनाज देते हैं। एक गरीब आदमी सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहता है केवल वो अनाज लेने के लिए, केवल अंगूठा लगाने के लिए। एक दिन की इंसान की मजदूरी 350 रुपये लगभग मानक है, 350 रुपये। आप बताइए 5 किलो अनाज की कीमत क्या है आज के डेट में? अगर हम 40 रुपये किलो भी मानते हैं तो 200 रुपये हुआ। 200 रुपये अनाज के लिए इंसान अपना दिन भर का समय बर्बाद करता है, एक महीने में एक बार अनाज लेने के लिए 350 रुपये में तिहाड़ी मार कर, तब 150 का नुकसान है। बिल्कुल नुकसान करते हैं, क्या कर रहे हैं? हर जगह को शोषण हो रहा है गरीबों का। सुनिए, अब जो रही जीएसटी वाली बात, जीएसटी का सबसे बड़ा भुक्तभोगी वही होता है जो इंसान उस चीज को यूज करता है, क्योंकि वो जीएसटी का पैसा नहीं ले पाएगा। अगला तो ले लेगा, लेकिन जीएसटी का पैसा जो उपयोग कर रहा है वो नहीं ले पाएगा ना। बस ये कहा जाता है जीएसटी, कहते हैं 100 रुपये का सामान अगर दिल्ली से खरीदा जाता है, 100 रुपये पर 18% जीएसटी लगा करके कानपुर माल आता है, वो माल 118 रुपये का हो जाता है। 118 रुपये पर जीएसटी लगा के मिर्जापुर दिया जाता है, वही माल उठा करके फिर 136 रुपये का हो जाता है। वही माल उठा के यहाँ पे कहते हैं एक राष्ट्र एक टैक्स। कैसा राष्ट्र कैसा टैक्स? सी जीएसटी सेंट्रल जीएसटी लगाते हैं, स्टेट जीएसटी लगाते हैं, और कहते हैं एक ही राष्ट्र एक ही टैक्स लगाएंगे हम। तो फिर सेंट्रल और स्टेट का मतलब क्या, ये बताइए हमको। और टैक्स अगर एक बार अगर लग गया दिल्ली से माल अगर कानपुर चला, फिर कानपुर से मिर्जापुर तक के लिए फिर टैक्स क्यों लगाया गया? जमीन पर ये मुद्दे हैं, बिल्कुल है। केवल इसमें सबसे अधिक शोषण मैं बता दूं आपसे, केवल गरीब लोगों का है, गरीब तबके का है, जो आज के डेट में मध्यम क्वालिटी के लोग हैं वो जिंदगी में कभी डेवलप नहीं कर पाएंगे, जान लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार त्रिपाठी है। राकेश कुमार त्रिपाठी, बिल्कुल राकेश कुमार त्रिपाठी, मैं घोरावल से हूँ। त्रिपाठी भी चले गए क्या इनके पास से? देखिए, त्रिपाठी की बात नहीं है, अभी जो आप त्रिपाठी की बात कर, त्रिपाठी भी चले गए क्या? क्या ब्राह्मणों के ऊपर? क्योंकि वो कहते हैं MY की पार्टी है। सुनिए, पार्टी कोई किसी की नहीं होती है। जो इंसान जहाँ पे जिसका जिस तरीके से शोषण किया जाता है, जैसे अभी सपोज दैट अभी हमारे यहाँ के जो सांसद जी थे पगौड़ी लाल कोल खड़े होकर के मंच बसे, पूरे ब्राह्मणों को गाली दिए, सामान्य श्रेणी को गाली दिए। तो ब्राह्मण वही मूर्ख होगा जो जाकर के फिर से दोबारा वोट देगा जो बिका होगा उनके नाम से। अरे ऐसी बात थोड़ी ना, वो उधर भी कोई लोग जाएगा, इधर भी कोई लोग आएगा। देखिए, गाली कोई मंच बसे नहीं देता है। आप सांसद होकर के मंच पर सामान्य श्रेणी के लोगों को गाली दे रहे हो, ये कहाँ की बुद्धिमानी है आपकी? जनता के बारे में आप सुनिए, रही बात उसकी, पहले के ज़माने में ये होता था कि कम से कम दलाल कम होते थे। आज तो सांसद जी के पास कोई भी अपनी बात नहीं रख पाएगा। पहले सिस्टम ये होता था कि नीचे से लेकर ऊपर तक कमीशन जाता था। आज के डेट में ऊपर वाले खुद ही बैठे हैं कमीशन खाने के लिए, नीचे वाले का तो गर्दा पहले से ही खत्म हो चुका है। देखिए, चुनाव में गर्दा पूरा उड़ा हुआ है, उड़ा हुआ है। सरकार किसकी है? सरकार की बात है। जैसे ये कह रहे हैं 400 पार, 400 पार ये गारंटी तभी कर सकते होंगे जब या फिर उनको मालूम होगा पहले से कि हम बक्सा वक्सा सब चेंज करा देंगे, सारी व्यवस्था हमारे पास होगी, जो हम कहेंगे वही होगा। ईमानदारी से बाकी आपको क्या फील होता है? देखिए, ईमानदारी की फील की बात जो आप कर रहे हैं, अभी विधायकी के हमारे यहाँ चुनाव हुई थी, हमारे यहाँ सोनभद्र में पूरे बक्से जांच हुए थे, कई अधिकारियों गाड़ी में पकड़े गए थे, जो बक्सा चेंज EVM पकड़े गए थे, जो बक्सा चेंज करने के लिए वहाँ पे गए थे, ये बस कई SDM साहब सस्पेंड भी होते हमारे यहाँ। अभी जौनपुर में यही मामला है, अभी जौनपुर मामला भी ठंडा नहीं हुआ है। तो या फिर इनको तभी मालूम होगा कि हम कुछ भी करेंगे जहाँ पे गढ़। ईमानदारी से अगर देखें तो क्या आपको स्थिति दिख रही है? देखिए, ईमानदारी से अगर देखी जाए तो कभी जिंदगी में जो नौजवान होंगे, जो जानकार होंगे, जिनके पास बुद्धि होगी, क्योंकि आज के डेट में जो सुनिए पहले जो ये कारण रोजगार देते हैं,
जो ये कहते हैं हम फलानवा को इतना इतना पैसा दे दिए व्यापार करने के लिए, आप मेरे साथ या फिर आप लोग मीडिया वाले हैं कभी भी जा करके किसी भी जगह पे जाइए, जाकर उनसे पूछिए कि क्या भैया गरीबों को कभी जिंदगी में पैसा दिया था धंधा करने के लिए, तो वही बताएंगे कि नहीं भैया यहाँ पे आते हैं लग्जरी गाड़ी से 50 लाख की गाड़ी से उतरेंगे, 1 करोड़ लोन सेंसर होगा, 40% उनका माफ हो जाएगा, 60% देगा गवर्नमेंट का और 40% सब्सिडी खा जाएंगे, लेकिन गरीबों के लिए लोन नहीं होता है, दिमाग में रख लीजिए। बैंक वाले पहले कहते हैं सरकार किसकी बन रही है, देखिए मेरे दिमाग से जो युवा है, जो आज के डेट में युवा के बारे में सोचे उसकी गवर्नमेंट बननी चाहिए, मैं तो सबसे बेटर मानता हूँ अखिलेश सबसे बेस्ट एंड बेटर। मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, जैसे 7 साल से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं एक नौजवान हूँ, मैं अभी किसी पार्टी के उस पर नहीं बोल रहा हूँ, वो नौजवानों के लिए किए क्या है आप ये बता दीजिए हमें, 7 साल में कितनी वैकेंसियां लाए हैं और कितना उसमें से लीक हुआ है, कितना रद्द हुआ है, या केटो हो गया ये बताइए आप, छोड़िए हटाइए, केटो हो गया है, मैं एक नौजवान हूँ, सरकार नहीं बन रही इनकी, नहीं बन रही। चलिए तो टीवी पर मीडिया में क्या दिखाया जा रहा है वो पता नहीं, लेकिन जमीन का तापमान जो है वो ना केवल 48 डिग्री धूप की वजह से है, बल्कि यहाँ पर जो तापमान है लोगों का, वोटरों का, वो भी पूरा गर्म है, और वो गर्म तापमान बता रहा है कि इस बार क्या यहाँ पर स्थिति है। तो आगे चलेंगे, अभी अखिलेश यादव की रैली होती है वहां पर, क्या कुछ लोग कहते हैं वो भी आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।